प्लस टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुजन विकास आघाड़ी के युवा कार्यकर्ता धर्मेश सेलार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर नालासोपारा पूर्व गाला नगर के पंचम स्कूल में कोरोना वैक्सीन शिविर लगाया, जहां पर मात्र 450 रुपए में लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। वसई विरार महानगर पालिका द्वारा लगे वैक्सीन केंद्रों में वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी तनातनी हो रही है, फिर भी लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही। ऐसे में बविया की युवा कार्यकर्ता धर्मेश सेलार के जन्मदिन के अवसर पर शंखेश्वर नगर के पंचम स्कूल में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जहां 450 रुपए में लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस कार्य में धर्मेश की मदद PGI ग्रुप के डायरेक्टर विनोद सैनी ने की, साथ ही 7171 ग्रुप का भी भरपूर सहयोग रहा। इस शिविर में 18 से लेकर बाकी उम्र वालों के लिए पहली व दूसरी वैक्सीन रखी गई थी। वहीं आयोजन को लेकर विनोद सैनी ने बताया कि यह हमारा एक छोटा सा प्रयास था लोगों की मदद के लिए। मेरा नाम विनोद कुमार सैनी और सर धर्मेश भाई के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर आम लोगों को बेहद सस्ते में वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाने के लिए किस तरह का सहयोग आप सबके द्वारा किया जा रहा है? हमारे भाई, हमारे दोस्त धर्मेश भाई का आज बर्थडे है, तो एक दो आज पालगढ़ जिला, पूरे इंडिया में कोरोना महामारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, काफ़ी लोग ऐसे हैं इस परिस्थिति में हैं कि उनको उनके पास इतना फंड नहीं है, पेमेंट नहीं है कि इस तकलीफ से वो लोग वैक्सीन लगा सकें, और वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रहा है आज पूरे इंडिया में कहीं पे आम लोगों को। तो हम लोगों को सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी मदद से एक छोटा सा हम लोगों ने प्रयास किया है कि छोटे लोगों को, आम आदमी को ही वैक्सीनेशन मिले। तो हम लोगों ने ये छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने आज रखा है यहाँ पे पंचम स्कूल के में, और जिसमें 500 वैक्सीनेशन हम लोगों ने रखा है, और 500 वैक्सीनेशन हम लोगों ने कल रखा है जो ISS हॉस्पिटल में हम लोगों ने रखा है। तो हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलके इसमें इन्वॉल्व हो और एक प्रयास के थ्रू इस बीमारी को हम लोग दूर से पालघर जिला डिस्ट्रिक्ट से निकाल के फेंक दें इसको। वहीं धर्मेश ने विनोद सैनी की भूरी भूरी प्रशंसा की। आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। किस तरह के कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं? बहुजन विकास आघाड़ी तथास्तु ग्रुप, हमारे आदरणीय लोकप्रिय यहाँ के आमदार सतीश जी ठाकुर, इनका सबका ध्येय मोटिवेशन कि हर इंसान को कोविड लस मिलना चाहिए। तो अभी लास्ट टाइम हमने 13 तारीख को, 14 तारीख को और 18 तारीख को रखा था, ये हमारा चौथा टर्म है। इस टर्म में एक हम रिकॉर्ड कर रहे 450, और 450 के हमारे डोनेटर हैं, और सबसे बड़ा डोनेट कर रहे पर पर्सन 330 रुपया हमारे विनोद सैनी जी, उनका PGI ग्रुप 7171 और उनका ट्रस्ट बालाजी चैरिटेबल केयर फाउंडेशन, इस ट्रस्ट के माध्यम से 330 रुपये पर पर्सन को वो डोनेट कर रहे हैं। इतना बड़ा डोनेटर मिल रहा है अपने को, तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके माध्यम से हम हर इंसान को बोल रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन लीजिए। थर्ड वेव आने को ऐसा मौका किसी को नहीं मिलना चाहिए, वैक्सीन हर इंसान ने लेना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से और सबको बोल रहा हूँ, डोनेटर देखिए, ऐसे विनोद जी सैनी के जैसे और उनके पूरे टीम के जैसे डोनेटर मिलेंगे तो जल्द से जल्द लोगों को, जितना 780 कीमत है, तो ऐसा 450 ऐसा जो कोई डोनेट मिलेगा लोगों को भी, उनका मतलब पैसा, जिसके पास पैसे की कमी है, मतलब इतना नहीं भर सकता कोई वॉचमैन है, उसका पगार 5-6 हज़ार हो, 780 क्या भर सकते, तो ऐसे डोनेटर मिलेंगे और 450 में ऐसे वैक्सीन मिलेंगे तो लोगों के जल्द से जल्द प्रॉब्लम उनके सॉल्व हो जाएंगे और जल्द से जल्द वो लोग वैक्सीन लेंगे। तो वहीं समाज सेवक खैरे ने धर्मेश सेलार की समाज हित की गाथा सुनाई। मैं प्रथम मराठी में बोलना चाहूँगा क्योंकि मराठी ऐसे आमची मायाभूमि। हमारे धर्मेश सर के बारे में क्या कहा जाए, यानी स्त्रिया इतिहास घडवतात कारण त्या महापुरुषांना जन्म देतात। असा एक महापुरुष, असा एक युवा कार्यकर्ता धर्मेश शेलार, ज्यांनी आज आमच्या सैनी साहेब, ज्यांचं नाव सैनी आहे पण मी त्यांना सैनिक म्हणतो, हे सैनिक आहेत, यांचं युद्ध आहे कोरोना विरुद्ध लढण्याचं, आणि त्या माध्यमाने त्यांनी आज पालघर जिल्हा कोरोना मुक्त करण्यासाठी त्यांच्या बालाजी फाउंडेशनतर्फे आज धर्मेश साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आज त्यांनी ही जी मोहीम हाती घेतलेली आहे। प्रथम मी बालाजी चॅरिटेबल फाउंडेशन यांचं मनपूर्वक मी आभार मानतो, कारण पालघर जिल्हा हा आमच्या गोरगरिबांचा जिल्हा जरी असला तरी तो कोरोना मुक्त करण्याचं त्यांनी जो आव्हानात्मक असं घेतलेलं आहे, ब्रीद घेतलेलं आहे, बहुजन विकास आघाडी आणि आमचे आदरणीय क्षितिजदादा ठाकूर
ज्यांनी संपूर्ण समाजसेवेचं व्रत हाती घेतलेलं आहे, आमचे आदरणीय रुपेश जाधव साहेब यांच्या माध्यमाने, तसेच आमदार हितेंद्र ठाकूर साहेब यांच्या माध्यमाने आज जो हा वाढदिवस आम्ही इथे धर्मेश शेलार साहेबांचा अशा वेगळ्या पद्धतीनं साजरा करीत आहोत. मी खऱ्या अर्थाने धर्मेश साहेब, आमचे सैनी साहेब आणि बालाजी फाउंडेशन यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो की ज्यांनी अशा पद्धतीनं वाढदिवस वेगळ्या पद्धतीनं साजरा केला. कोणी अनाथ आश्रमामध्ये वाढदिवस साजरा करतो, कोणी गोरगरिबांचे आश्रू पुजतं, पण खऱ्या अर्थानं आता तिसरी लाट येऊ पाहते आहे. ही तिसरी लाट रोखण्यासाठी हे पवित्र कार्य आज बालाजी फाउंडेशनच्या माध्यमाने आमचे युवा क्रांतिकारी नेता धर्मेश शेलार यांच्या वाढदिवसानिमित्त करण्यात योजले आहे. मी मनपूर्वक त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. आमच्या तथास्तु ग्रुपतर्फे, तमाम तथास्तु ग्रुपतर्फे आणि आमचे जे पंचम हायस्कूलचे मेन जे आमचे डायरेक्टर साहेब आहेत, तर त्यांचे मी मनपूर्वक आभार करतो की पंचामृत व्हावं तसे असे पाच सैनिक एकत्र आम्ही आलेलो आहोत. आणि आजचा हा सुवर्ण योग आहे. मी धर्मेश साहेबांना पुन्हा एकदा आमच्या तमाम कार्यकर्त्यांच्या वतीनं हार्दिक शुभेच्छा देतो. सर, ॲक्च्युली धर्मेश शेलार सर जी जो है ये पालघर के नागरिकों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी इतना बढ़ गया है, गरीबों को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है. उसकी वजह से भाई विनोद सर जी जो है डोनेट कर रहे हैं, 350 रुपये कर रहे हैं, उसके बाद बाकी का धर्मेश सर कर रहे हैं. इसलिए उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे पंचम स्कूल के ट्रस्टी माननीय श्री रामकेश यादव सर जी का सबसे बड़ा सहयोग है कि उन्होंने अपने स्कूल को वैक्सीनेशन के लिए फ्री कर दिया है. जितने भी लोग आ रहे हैं सबका वैक्सीनेशन हो रहा है. इसके बाद ज़्यादा क्या कहा जाए. वहीं धर्मेश शेलार के चाहने वालों ने उनके जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर उन्हें बधाई दी, जिसमें वीवीएमसी के पूर्व महापौर रुपेश जाधव व बविया के कई कार्यकर्ता, समाज सेवक व धर्मेश शेलार के रिश्तेदार एकत्रित हुए. वहीं अगर धर्मेश व विनोद सैनी जैसे समाज सेवक समाज की थोड़ी जिम्मेदारी ले लें तो जिले से कोरोना का नामो निशान खत्म हो जाएगा. नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट.